ठीक है, यानी कि 2 मिनट में जल गया। अनिल किसके घर में खाना बन रहा है? जहाँ पे हीट प्रोटेक्टर यूज नहीं किया है। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? तुम इंसान भौंकते हैं रात में, कुत्ते भौंक रहे होते हैं यार। Guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Neha, and if you're new to this channel, please don't forget to subscribe my channel. If you don't know me, मैं fashion beauty से related content बनाती हूँ, कभी कभी मैं hacks की भी video बनाती हूँ। तो आज हम एक hair hack try करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से काम करता है और heat protector हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने बालों में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, एंड ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट प्रोटेक्टर हमारे बालों में सच में काम करता है या फिर हमें ऐसे ही बुद्धू बनाया जाता है। तो मैं उसके लिए, मेरे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो ये ईयरबड सबके यहाँ पे मिल जाएगी, और लेकिन आप घर में ना यूज़ करें उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये ईयरबड मैंने यहाँ पे लिया है, प्लस ये लाइटर लिया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ई प्लंट का हेयर प्रोटेक्टर, जो कि हेयर मिस्ट है, और इसमें है ग्रेप सीड ऑयल जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ है इसमें प्रो वाइटमिन B5 जो कि हेयर को रिपेयर करता है। तो जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हम पहले हैक देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने लिया है ईयरबड और यहाँ पे लिया है मैंने हीट प्रोटेक्टर। इसको मैं अच्छे से शेक करूंगी, बट के एक साइड पे मैं इसको अप्लाई करूंगी, एक साइड पे अप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है। तो हम जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। ओके ठीक है, हमने अप्लाई कर लिया। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइटर, ठीक है। इसको हमेशा जलाते टाइम ना मैं हमेशा नर्वस हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया है। तो लाइटर ये रहा, ठीक है। अब मैं इस तरह से इसको जलाऊंगी। तो ये बहुत ही थोड़ा सा, मतलब इसमें काला काला बनाया है, बहुत ही थोड़ा सा जला है। ये वाली वो वाली साइड है जहाँ पे मैंने हीट प्रोटेक्टर यूज नहीं किया है। तो अब मैं इसको जलाकर दिखाऊंगी। ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके ठीक है, यानी कि 2 मिनट में जल गया। ओह गॉड, ये देख रहे हो, ये बहुत जल्दी जल गया, बहुत ही ज्यादा जल्दी। और ये वो वाली साइड है जहाँ पे मैंने हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया था, ये वो वाली साइड है जहाँ मैंने हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं किया था। तो ऐसे ही ये हमारे बालों पर भी काम करता है, ये इतनी जल्दी जल गया है और इसको हमारे बालों को जलने से बचाता है। तो हीट प्रोटेक्टर हमारे बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे भी तब समझ आई जब मैंने ये वाला हैक करके देखा था। तो उससे पहले मैं हीट प्रोटेक्टर इतना यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन इसे मैंने अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले ना, वैसे तो मैं अपने बालों को ना सेक्शन कर लेती हूँ पूरी तरीके से, लेकिन आप लोग ना ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कभी कभी सेक्शन कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे से शेक करूंगी, और जहां जहां अपने ड्राई बालों में भी लगा सकते हो आप इस तरह से स्प्रे करना है अपने बालों में। इसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं। और ये पूरे बालों में अच्छे से लग जाए उसके लिए मैं यहाँ पे कोम कर रही हूँ। मैं ये लकड़ी की कोम यूज करती हूँ, वुडन की कोम ही बालों के लिए सबसे बेस्ट होती है, और इससे ना उलझते भी नहीं है मेरे बाल बहुत जल्दी, मतलब सुलझ जाते हैं। मुझे रोज़ अपने बालों को ना इस तरह से स्टाइल करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ये हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देख रहे हो इसमें शाइन आ रही है, पता है कितनी सही शाइन आ रही है। मैं आपको पूरी तरीके से कैसे अप्लाई करती हूं वो दिखा देती हूं, मैं आपको सारे में कैसे अप्लाई करती हूं वो दिखा देती हूं, क्योंकि ऐसे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऐसे मुझे करने में बिना मिरर के।
तो पहले तो मैं अपने बालों को ऐसे कोम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों को कोम करूंगी क्योंकि मैंने लास्ट वाले में नहीं किए थे। और हमेशा कोम करो ना, अगर आपके बाल उलझे हुए हैं तो नीचे से कोम किया करो, ऊपर से कोम मत करा करो। मेरे बाल भी सुलझे हुए हैं इसलिए मैं ऊपर ये दिखा रही हूँ कि हीट प्रोटेक्टर को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अच्छे से ना इस मिस्ट को अपने बालों में लगा लेना है इस तरह से, और अपनी नीचे के जो बाल है उन पे ज्यादा लगाना है, क्योंकि जो नीचे के बाल होते हैं ना वो सबसे ज्यादा जल्दी जलते हैं। अब मैं दोबारा अपने बालों को अच्छे से कोम करूंगी जिससे कि जो प्रोडक्ट है ना वो मेरे सारे बालों पर अच्छे से लग जाए। उसके बाद मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से इसको स्ट्रेट करूंगी। तो बी ब्लेंड जो है ना वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली इंडियन हेयर्स के लिए ही बनाया गया है। ये हमें पोल्यूशन, सन की वजह से जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं ना उनसे बचाने में हमें हेल्प करता है। इसमें ग्रेप सीड ऑयल है जिसकी वजह से ये नेचुरली हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, और इस पर प्रो विटामिन B5 भी है, और ये 230 डिग्री सेल्सियस तक की हीट से भी फाइट करता है। और अगर आप अपने बालों को स्टाइल करते रहते हैं ना तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झड़ने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने अब अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि ये बिफोर वाले हैं और ये हैं आफ्टर वाले, और फिर भी मेरे बाल ना मतलब हाथ अगर मैं डाल रही हूँ ना अपने बालों में तो आराम से निकल रहे हैं। बहुत ही सिल्की सॉफ्ट स्मूथ लग रहे हैं मेरे को, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बाल, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल अजीब से बाल हो गए हैं। बहुत रूखे बेजान हो जाते हैं ना कई बार स्ट्रेट करने के बाद, तो वैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करी है क्योंकि मैं रोज़ स्टाइलिंग करती रहती हूँ, और इसमें ना कंघी भी नहीं फंस रही है। और सही बताऊँ तो मुझे अब अकल आई है कि हाँ मुझे हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए। तो अब मैं दूसरी साइड भी अपने बालों को ट्रांजिशन के साथ स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। सच बताऊं तो इसमें मेरे बालों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये खुशबू ना मेरे 2 से 3 दिन आराम से रहती है। जिस दिन मैं वॉश करने वाली होती हूँ ना उस दिन भी मेरे बालों में से बी ब्लेंड की इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो। लोग टेंशन फ्री इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है। ये इंडियन हेयर्स के लिए ही बना हुआ है, एंड इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। 500 के अंदर अंदर ये मिल जाएगा आपको। ये प्रोडक्ट अमेजोन पर ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लाइक मैं तो बहुत टाइम से अपने बालों को जला रही थी बहुत ज़्यादा, देख रहे हो आप नीचे से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा जल गए थे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हीट प्रोटेक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ बालों को स्टाइल करना पड़ता है, रोज़ रोज़ बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है, कभी कर्ल करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।